Hey guys, good evening and welcome back again to your Vedantu Neet Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे, all of you are doing great. My dear students, आज के session में मैं आपको एक छोटी सी trick बताने जा रहा हूँ, जिसको use करके आप easily identify कर सकते हो कि जो isomers आपको दिए गए हैं, क्या वो chain isomers है, कि position isomers है. एक छोटी सी trick आपको याद रखनी है, जिससे आप easily identify करोगे कि isomers chain है, कि isomers positional है, right? ये trick use करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है. सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल के लिए एक नंबर डिफाइन किया करेंगे, दैट इज सी एस नंबर. ये जो सी होता है, सी का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है. एस का मतलब होता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स स्टार्टिंग विद कार्बन. पेरेंट चेन के साथ कितने ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स स्टार्टिंग विद द कार्बन. अब हर किसी मॉलिक्यूल के लिए पहले ये सी एस नंबर निकाला करोगे, राइट? अगर दो मॉलिक्यूल्स के लिए सी एस की वैल्यू दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए सेम आ गई, तो समझ जाना पोजिशनल आइसोमर्स होंगे. अगर सी एस की वैल्यू डिफरेंट आ गई, समझ जाना तो चेन आइसोमर्स होंगे, राइट? सी एस वैल्यू सेम मतलब पोजिशनल, सी एस वैल्यू डिफरेंट मतलब चेन. परफेक्ट. कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं मैं, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. देखिए ध्यान से, अगर मैं पहले दो मॉलिक्यूल्स की बात करूं, मुझे चेक करना है कि ये चेन आइसोमर्स है कि पोजिशनल आइसोमर्स है, राइट? देखो सिंपल सा तरीका. सबसे पहले ये जो पेरेंट चेन है, देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन एटम्स बेसिकली पेरेंट चेन में. तो सी की वैल्यू आ गई 6. कितने सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं. एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, वो कौन सा है, CH3, और ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है. तो एक सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विद कार्बन, तो सी एस की वैल्यू इस मॉलिक्यूल के लिए 61 आ गई. अब दूसरा मॉलिक्यूल चेक करें, ये है 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. तो यहां भी 6 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में, एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां भी सीएस की वैल्यू आ गई 61. चेक करें दोनों मॉलिक्यूल्स में, क्या सीएस की वैल्यू सेम आ रही है? एब्सोल्युटली. अगर सीएस वैल्यू दोनों मॉलिक्यूल्स का सेम आ रहा है, तो कौन से आइसोमर्स होंगे? ये डेफिनेटली पोजीशन आइसोमर्स होंगे, राइट? पोजीशनल आइसोमर्स. सेकंड केस देखिए, सबसे पहले चेक करें मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स है. जो आपकी पेरेंट चेन बन रही है, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है पेरेंट चेन में. कितने सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं. ये एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया CH3, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया CH3. तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो S की वैल्यू 2 आ गई. तो इसका CS वैल्यू इस मॉलिक्यूल का 62 आ गया. अब ये चेक करो, ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. तो 6 कार्बन एटम्स फिर से मेन चेन में है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो यहां की CS वैल्यू 61 आ गया. चेक करें दोनों मॉलिक्यूल्स में, क्या CS वैल्यू सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है. CS वैल्यू दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट आ रहा है. CS वैल्यू डिफरेंट आने का मतलब क्या हो गया, ये कौन से होंगे, ये आइसोमर्स बेसिकली चेन आइसोमर्स होंगे, एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट केस देखें, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो कितने कार्बन एटम्स है मेन चेन में, 6 कार्बन एटम्स. क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा नहीं है, राइट? सिमिलरली इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन. क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. CS की वैल्यू दोनों के लिए सेम है कि डिफरेंट है, CS वैल्यू दोनों के लिए सेम आ गई. सेम आ गई मतलब कौन सा आइसोमर्स होंगे, ये फिर से पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, एज सिंपल एज दैट. कुछ और एग्जांपल्स जिससे आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा, और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है मैंने. देखो जरा, सबसे पहले नंबरिंग दो, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 कार्बन एटम्स मेन चेन में है, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो S की वैल्यू आ गई 2. तो CS नंबर यहां पे आ गया 62 इस मॉलिक्यूल का. अब दूसरे का चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 कार्बन एटम्स मेन चेन में और दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां का CS वैल्यू भी क्या आ गया, 62. दोनों मॉलिक्यूल्स में CS वैल्यू सेम आ रहा है, तो क्या होंगे, दोनों पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, एज सिंपल एज दैट. अब ये दो चेक करें ध्यान से, ये यहां पे बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक? तो यहां से स्टार्ट करें, कार्बन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल. अब बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो बड़ी वाली रिंग होती है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है. ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बताओ मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स, 8. कितने सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं. ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया CH3, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया CH3. तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो CS वैल्यू 82 आ गई. इसमें चेक करो जरा, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. यहां पे टोटल मेन चेन में 10 कार्बन एटम्स हैं. कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है ही नहीं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो CS वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 100. क्या दोनों में CS की वैल्यू सेम की डिफरेंट, दोनों में CS की वैल्यू डिफरेंट आ गई, तो दोनों कौन से होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे, राइट? ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ये वाला मैं आपको करके दे रहा हूं. देखो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है,
सिंस एक कार्बन एटम कॉमन है दैट मींस दोनों हो गए स्पायरो, दोनों स्पायरो कंपाउंड्स है। स्पायरो कंपाउंड्स में नंबरिंग कहां से स्टार्ट की जाती है, जो छोटी वाली रिंग होती है वहां से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। ये वन हो गया, ये टू, दिस इज थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, राइट। तो मेन चेन में आठ कार्बन एटम, कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा ही नहीं है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो के बराबर। यहां पे चेक करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मेन चेन में आठ कार्बन एटम्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा ही नहीं है, तो एस की वैल्यू जीरो आ गई। चेक करो दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए सीएस की वैल्यू, सेम है कि डिफरेंट, दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए सीएस की वैल्यू सेम आ रही है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, डेफिनेटली ये फिर से यहां पर क्या कहलाएंगे, आई विल बी कॉलिंग देम एज द पोजीशनल आइसोमर्स। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आज के बाद आप याद रखोगे, और जब भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दो आइसोमर्स चेन आइसोमर्स है कि पोजीशन आइसोमर्स है, आप ये छोटी सी ट्रिक यूज किया करोगे और क्वेश्चंस को विद इन नो टाइम सॉल्व किया करोगे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आ गई होगी, अगर पसंद आ गई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद एवरीवन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।